अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि जी आप ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी मैंगो डिलाइट, बहुत आसान रेसिपी। इसके साथ स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है जी, व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने, मैंगो, आइसिंग शुगर, आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास पड़े हुए हैं जी ये सुपर रोल्स, वनीला फ्लेवर के लिए हैं। अगर आपको ऑरेंज पसंद है आप ऑरेंज भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस व्हिपिंग क्रीम को मैं व्हिप्ड कर लूँगी, बिल्कुल चिल्ड, इसको व्हिप कर लूँगी। मैंगो है, इसकी प्योरी बना लूँगी और ये जो रोल्स हैं इनके मैं स्लाइस कर लूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। क्रीम अच्छे से मैंने व्हिप कर ली है, ये देखें। यहाँ पर मेरे पास जो 1 कप मैंने आइसिंग शुगर ली है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 कप मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है ना, ये मीठी नहीं है, जितना आपको मीठा पसंद है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं इसमें जो प्यूरी बनाई है ये शामिल कर दूंगी। थोड़ी सी ज़रा बचा लेती हूँ मैं लास्ट के लिए, पर अब इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं जी। क्रीम हम लोगों की देखें जी अच्छे से हो गई है जी मिक्स। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा येलो कलर भी डाल सकते हैं, कलर इन्हेंस हो जाएगा उससे भी, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं जी डिश में अरेंज। जी जो आपको जो पहले मैंने रोल्स दिखाए थे मैं ऑलरेडी अरेंज कर चुकी हूँ डिश में। अब मैं इसके ऊपर ये पोर करूँगी बिल्कुल स्मूथली। जी मैंने कोर लेयर लगा ली। अब मैं दोबारा इसके ऊपर इसको मिक्सचर को पोर करूँगी आराम से। जी सारा मिक्सचर मैं इस पे पोर कर चुकी हूँ। अब इनको हम बिल्कुल लेवल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसके ऊपर जो मेरे पास बचा हुआ था मटेरियल वो मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह से, और किसी टूथपिक की मदद से हम इसमें इस तरह से लाइनें बना लेंगे। इस तरह से भी कर देंगे हल्का हल्का, ये देखिए। रैंडमली हम कर रहे हैं डिज़ाइन और बहुत अच्छा बन रहा है इसके ऊपर, ठीक है जी। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में, और अगर आप ज़्यादा जल्दी चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसको रखना होगा। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे इसको रखें, ताकि ये व्हिपिंग क्रीम जो है ना ये ज़रा सेट हो जाए, इसको खाने में फिर बहुत मज़ा आएगा। तो चलो जी इसको मैं रखती हूँ फ्रीज़र में, ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी इसकी फ़ाइनल लुक दिखा सकूँ। जी व्यूअर्स वेलकम बैक। ये देखें जी हमारा डिज़र्ट मैंगो डिलाइट कितना ज़बरदस्त सा जम गया। अब मैं इसको करती हूँ जी डिश आउट। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस तरह से इसके कट्स बना लेंगे इसके, ताकि इसकी जो खूबसूरती है वो कम ना हो। और इसको आराम से मैं निकाल लेती हूँ। जी व्यूअर्स ज़बरदस्त सा डिलाइट, हम लोगों का मैंगो डिलाइट रेडी हो गया। टेस्ट करके देखती हूँ। बहुत ही मज़ेदार स्मूथ टेस्ट टेक्सचर है इसका, टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत
बहुत आला। उम्मीद है कि जी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अपनी दुआओं मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।